बड़ी खबर मिल रही है, से नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता दें, से नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं, उनके साथ मंत्री विजय चौधरी भी हैं। आपको बता दें कि आज सीएम नीतीश कुमार सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीधे राजभवन पहुंचे हैं, ये खबर अभी पटना से मिल रही है। बिहार में सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंत्री विजय चौधरी भी राजभवन पहुंचे हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं। बिहार में सियासी हलचल के बीच ये खबर मिल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे हैं, उनके साथ मंत्री विजय चौधरी भी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीधे राजभवन पहुंच गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि सीएम नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हुए हैं राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। आप बता दें कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीएम नीतीश कुमार सीधे राजभवन के लिए निकल गए हैं और बताया जा रहा है कि उनके साथ मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद हैं, यानी कि दोनों ही राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से मिल रही है, सीएम नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचे हैं और मंत्री विजय चौधरी भी उनके साथ ही वहां मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक आज सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार, उस वक्त डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी उनके साथ थे और सरकारी कार्यक्रम से लौटने के बाद वो सीधे राजभवन पहुंच गए हैं। शैलेंद्र संवाददाता अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है, सीएम नीतीश कुमार राजभवन गए हैं? आप तस्वीर भी दिखा रहे हैं, राजभवन के ठीक बाहर इस वक्त हम लोग खड़े हैं और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन हैं। अरे क्या करते हैं आप। तो पटना से आपको उड़कर बता रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो अधिक जानकारी इस पर देंगे। लेकिन इसी बीच दर्शकों को फिर से बड़ी खबर बता दें, राजधानी पटना से बड़ी खबर मिल रही है, सीएम नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है, सरकारी कार्यक्रम से तुरंत नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हुए हैं? शैलेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपकी आवाज आ रही है और अभी जानकारी दे दें हम दर्शकों को कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं, उनके साथ बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद हैं और नीतीश कुमार आज एक कार्यक्रम में शामिल हुए और उसके बाद सीधा यहां पहुंचे हैं। क्या कारण है ये अभी तक नहीं कहा गया, लेकिन ये कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार की जो मुलाकात है ये औपचारिक मुलाकात हो सकती है। नीतीश कुमार औपचारिक मुलाकात करने राजभवन पहुंच सकते हैं और खास तौर पर देखिए बिहार की जो बदलती हुई सियासत के बीच चर्चाएं कई तरीके की हो रही हैं, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है सुबह सुबह नीतीश कुमार अचानक से राजभवन पहुंचे हैं, हालांकि उनकी बात पहले वहां हो रखी होगी, पहले से ही समय मुख्यमंत्री ने जरूर लिया होगा राजभवन में, उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त राजभवन में मौजूद हैं और राज्यपाल से मुलाकात भी कर रहे हैं। कारण क्या है यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। नीतीश कुमार जब निकल कर के आएंगे उनके साथ जो लोग गए हैं वो पूरी बात की जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल ये जानकारी है कि नीतीश कुमार यहाँ पहुँच चुके हैं राजभवन में जाकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, अगर देखा जाए तो किन किन मुख्य कारण या फिर मुख्य मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल की मुलाकात होती है? देखिए विधानसभा का सत्र भी है तो सत्र से संबंधित बातचीत भी मुख्यमंत्री की हो सकती है, उसके अलावा विश्वविद्यालय से जुड़े मामले हैं ये भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक गतिविधियों पर बिहार की सियासत में नज़र है। नज़र ये है कि आखिर नीतीश कुमार
कौन कौन सा कदम उठा रहे हैं। हाल के दिनों में देखिए जिस तरीके से शिक्षा मंत्री पर बड़ी कार्रवाई हुई, शिक्षा मंत्री का विभाग बदल दिया गया, शिक्षा विभाग में जो विवाद चल रहा है, के पाठक हों मंत्री थे तब चंद्रशेखर उस वक्त की बात हो या फिर के पाठक और राजभवन में भी कई तरीके के विवाद सामने आए, तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि कई मुद्दे हो सकते हैं नीतीश कुमार के राजभवन आने को लेकर के, क्योंकि कई मुद्दे हैं जो राजभवन से सीधे सरकार से जुड़े हुए मामले हैं, तो इन मामलों को लेकर के कयास कई तरीके के लगाए जा रहे हैं। लेकिन देखिए बिहार में जो सियासत बदल रही है, उस बदलती सियासत के बीच में चर्चाएं कई हो रही हैं कि आखिर नीतीश कुमार कहाँ जा रहे हैं, किन किन लोगों से मिल रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी सरकार में पक रही है, इन चीज़ों को लेकर के भी कई तरीके के कयास जो हैं वो लगातार पिछले कई दिनों से लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में सुबह सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब राजभवन पहुँचते हों तो हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर नीतीश कुमार अचानक सुबह सुबह राजभवन क्यों पहुँचे हैं, किन मुद्दों पर राज्यपाल से बात हो रही है, यह सवाल हर लोगों के जहन में है। और जो फिलहाल फौरी तौर पर जो दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं जो राजभवन और सरकार के बीच जो तो मुद्दे रहते हैं, विधानसभा का सत्र हो, शिक्षा विभाग से जो मामला हो, इन तमाम मामलों को लेकर के उम्मीद जताई जा रही है कि नीतीश कुमार से उनकी इस वक्त मुलाकात चल रही है। देखना होगा जब नीतीश कुमार बाहर निकलते हैं उनके साथ जो लोग गए हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेने की कोशिश होगी कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर नीतीश कुमार राजभवन क्यों गए हैं और किन एजेंडों पर राज्यपाल से बातचीत हो रही है। तो तकरीबन 15 मिनट से 20 मिनट का वक्त है जब नीतीश कुमार अंदर मौजूद है, 15 से 20 मिनट से, और कुछ ही देर के बाद माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जब निकल करके आएंगे तब उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मुलाकात में क्या बातचीत हुई है। फिलहाल में एक राजभवन की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो अंदर जो मुलाकात है, जो गाड़ियां हैं, मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो फिलहाल राजभवन में इस वक्त लगा हुआ है, यहाँ से सामने से यह दिख रहा है। और कुछ देर और वक्त लग सकता है जब नीतीश कुमार वहाँ से राजभवन से निकल कर बाहर आएंगे और उसके बाद देखना होगा कि आखिर ये जो मुलाकात थी ये औपचारिक मुलाकात थी या कोई इस मुलाकात के पीछे का कोई खास मकसद है, कोई खास वजह थी इस मुलाकात के पीछे, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार के साथ मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद हैं और गवर्नर हाउस में तमाम ये जो लोग हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। जी बिल्कुल शैलेंद्र, जैसे कि आपने बताया और ये खबर भी थी कि आज से नीतीश कुमार पहले सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए, उस वक्त डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी थे, तो पहले से ये तय नहीं था कि राजभवन उन्हें जाना है, अचानक राजभवन गए हैं, क्या लगता है और क्या कुछ बातचीत हो सकती है? कभी कभी राजभवन कर्टसी कॉल के तहत भी मुख्यमंत्री राजभवन जाते हैं। जी आमतौर पर ऐसा ही देखने को मिला है कि औपचारिक मुलाकात को लेकर नीतीश कुमार राजभवन जाते रहे हैं, राज्यपाल से मिलते रहे, राज्यपाल कोई भी हो लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से यह पहल हमेशा से की जाती रही है। और इस वक्त भी नीतीश कुमार अंदर हैं, कुछ दिन पहले भी नीतीश कुमार मिलने गए थे। लेकिन जो बिहार में जो कुछ अभी चल रहा है, जो खिचड़ी सियासी खिचड़ी पक रही है, उस बीच में नीतीश कुमार की यहाँ जो मुलाकात होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके पीछे कई मायने भी हो जाते हैं कि आखिर अचानक नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने क्यों पहुंच गए, क्या कोई शिक्षा विभाग से जुड़े मामले हैं या फिर जो बजट सत्र है, बजट सत्र को लेकर के मुख्यमंत्री गए हैं मिलने के लिए। लेकिन यहाँ ये भी सवाल है शैलेंद्र कि आज जब सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी साथ थे, और जब राजभवन मुख्यमंत्री जाते हैं तो उनके साथ डिप्टी सीएम नहीं है, क्या इसको लेकर भी कुछ कयास लगाए जा सकते हैं? देखिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि तमाम जो साथ हैं, जो लोग हो, मुख्यमंत्री हो और अन्य मंत्री हो, वो वहां पर मौजूद रहे, लेकिन जो नीतीश कुमार के करीबी मंत्री में से जाने जाते हैं विजय चौधरी, और हरदम साथ दिखने वाले मंत्री में भी विजय चौधरी का नाम शामिल है, वो इस वक्त उनके साथ में जो जानकारी मिली है मुख्यमंत्री के साथ में वो मौजूद हैं। और देखिए कई विषयों पर बातचीत हो सकती है राजभवन के अंदर, लेकिन
जो बिहार की जो सियासी हालात है उस हालात के बीच यदि नीतीश कुमार यहाँ शैलेंद्र मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, इसे मैं समझूंगी। अभी हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जुड़े हुए हैं। नीरज जी, अचानक आज मुख्यमंत्री राजभवन पहुंचे हुए हैं, मुलाकात हो रही है, क्या कुछ जानकारी आप तक जो आप हमारे दर्शकों को बता सके? कि मुझे कोई अद्यतन जानकारी नहीं है, मीडिया आपके माध्यम से पता चला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य के माननीय महामहिम राज्यपाल से मिलने गए और माननीय मंत्री विजय चौधरी जी भी उनके साथ है। तो महामहिम तो राज्य के प्रथम नागरिक है, उनसे मिलना एक संवैधानिक दायित्व भी होता है जी। इसलिए उसको हम तो समझते कि एक रूटीन प्रक्रिया का एक हिस्सा है, मतलब इसे हम बस एक औपचारिक मुलाकात ही समझें। बिल्कुल, मेरी समझ से तो औपचारिक मुलाकात। लेकिन जीतन राम मांझी ने आज सुबह ही ट्वीट किया है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार में खेला होने वाला है। वो फ्रीलांसर हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहना, फ्रीलांसर हैं राजनीति के। मांझी जी फ्रीलांसर हैं। जी जी नीरज जी, आज डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शामिल थे सरकारी कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री वहां पर थे, तो फिर मुख्यमंत्री सिर्फ विजय चौधरी के साथ ही राजभवन गए, डिप्टी सीएम नहीं गए? राजभवन को सूचना दी गई होगी नहीं कौन कौन लोग जाएंगे, तो जो जिन लोगों का नाम दर्ज था वो लोग गए। अमूमन ये जानकारी पहले प्रोटोकॉल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अमूमन ये जानकारी पहले मिल जाती थी कि राज्यपाल से आज मुलाकात हो सकती है, लेकिन आज सुबह अचानक जाना और बिहार में जिस तरीके से अभी सियासी हलचल चल रही है उस लिहाज से क्या महत्वपूर्ण नहीं माना जाए इसे? नहीं, एक सामान्य रूटीन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और देखिए, इसी बीच हम आपको जीतन राम मांझी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा गया पोस्ट दिखाते हैं, जिसमें जीतन राम मांझी लिख रहे हैं कि बंगला में कहते हैं खेला होबे, इसी का जिक्र किया जा रहा है, और मगही में कहते हैं खेला होक, तो भोजपुरी में कहते हैं खेला होखी। तो यानी जीतन राम मांझी इशारा कर रहे हैं कि बिहार में कुछ खेला होने वाला है, और ये बता रहे हैं जीतन राम मांझी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, उन्होंने ये लिखा है। आप बता दें कि इससे पहले भी जीतन राम मांझी ने बयान भी दिया था जिसमें वो कह रहे थे कि बिहार में कुछ बड़ा हो सकता है। शैलेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, देखिए, जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि एक औपचारिक मुलाकात है, लेकिन जीतन राम मांझी का ये सोशल मीडिया पोस्ट बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल, देखिए, जीतन राम मांझी के किसी पोस्ट का मतलब तो होता है, लेकिन फिलहाल उनकी उनके बयान का या उनके किसी भी ट्वीट का बहुत मतलब नहीं निकालने का वक्त अभी आया है। और ख़ास तौर पर जीतन राम मांझी देखिए तो पिछले कई दिनों से इस तरीके के लगातार ट्वीट कर रहे हैं, और सिर्फ उनके ट्वीट से मतलब निकालने की कोशिश अभी फिलहाल नहीं करने की ज़रूरत लग रही है। और लेकिन देखिए, सवाल यह है कि नीतीश जी राजभवन गए हैं जो बिहार की सियासत बदल रही है, तो हर लोग यह जानना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। हाल के दिनों में जो जो फैसले नीतीश कुमार ने लिए, उसके बाद शिक्षा मंत्री का बदलना, फिर जो सीट शेयरिंग की बातचीत चल रही है उसमें कांग्रेस से नाराजगी सामने आना, और उसके साथ साथ कई ऐसे मामले सामने आए, जदयू के द्वारा कांग्रेस पर कई बार प्रतिक्रिया दी गई, फिर अचानक से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव उनसे जा कर के मिलते हैं, एक घंटे की मुलाकात होती है, और ठीक इसके दो तीन दिनों के बाद शिक्षा मंत्री बदल जाते हैं। दूसरी ओर राजभवन और शिक्षा विभाग में जो टकराहट है उसे भी खत्म करने की कोशिश नीतीश कुमार जरूर करेंगे। के पाठक ने कई ऐसे आदेश दिए जिस पर राजभवन के द्वारा भी आपत्ति जताई गई, तो संभवतः इस विषय पर भी बातचीत मुख्यमंत्री कर सकते हैं। उसके अलावा बजट सत्र है, राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होती है, और नीतीश कुमार सरकार के मुखिया हैं, तो उस विषय पर भी बातचीत की जा सकती है, उसकी भी गुंजाइश है, या फिर यह औपचारिक मुलाकात भी हो सकती है। लेकिन इस मुलाकात के बारे में फिलहाल कुछ भी कह पाना अभी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार इस वक्त राजभवन में हैं, उनके साथ उनके बेहद करीबी जो मंत्री हैं विजय चौधरी वो वहां पर मौजूद हैं, और इन दोनों नेताओं की बातचीत हो रही है। हालांकि फिलहाल फौरी तौर पर जो दिखाई दे रहा है उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये मुलाकात औपचारिक मुलाकात है, इन
दोनों की, और खास तौर पर कई मामले होते हैं। लेकिन आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी कि अभी जो सियासी हलचल खासतौर पर बिहार में देखने को मिल रही है और अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, भले ही जीतन राम मांझी के पोस्ट को जेडीयू की तरफ से दरकिनार किया जा रहा हो, लेकिन ऐसे कयास आखिर क्यों लगाए जा रहे हैं? सवाल ये भी बनता है कि क्यों ऐसी कयासबाजी शुरू हो गई है कि कुछ बड़ा होने वाला है, बिहार में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के ऐसी बातें इसलिए कही जाती हैं क्योंकि एक बार नहीं, कई बार ऐसे मौके आए हैं जब नीतीश कुमार ने अचानक पाला बदला हो, अचानक जो तस्वीर है सियासत की वो बदल गई है। और इस वक्त जब इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की बात चल रही है और उसमें बात बनते नहीं दिख रही है, और कई तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, और ख़ास करके जो इंडिया गठबंधन है उसमें भी दर्जनों विवाद हैं, तो उन विवादों के आधार पर ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर कोई बड़ा निर्णय करने जा रहे हैं, या फिर नीतीश कुमार क्या फिर कोई जो सियासी खेल है वो खेलने जा रहे हैं। शैलेंद्र, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, अभी से नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं, 15 मिनट से मुलाकात चल रही है। अचानक मुख्यमंत्री का वहां पहुंचना, क्या कुछ कारण आपको पता है जो आप हमें हमारे साथ साझा कर सकें? कारण तो हमें नहीं पता, लेकिन ये तो एक सामान्य बात है, अगर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महामहिम राज्यपाल से मिलने जाते हैं तो इसमें तो कोई राजनीतिक नजरिए से इसे नहीं देखा जाना चाहिए। अरे, वो काम बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिसमें महामहिम से डिस्कशन करना होता है, बात करनी होती है, तो इसको लेकर के जो तरह तरह की बातें की जा रही है इसका कोई मायने मतलब नहीं है। ये एक सामान्य शिष्टाचार मुलाकात है, और जो भी बातें होंगी वो महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में होंगी। लेकिन अचानक आज सुबह सरकारी कार्यक्रम में शामिल होना, वहाँ डिप्टी सीएम भी मौजूद थे, और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री और मंत्री विजय चौधरी ही सिर्फ मुलाकात करने पहुँचे, तो क्या इसे समझा जाए, बस एक औपचारिक मुलाकात है? ऐसा तो नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार महामहिम राज्यपाल से मिल रहे हैं, तो इसमें समझाना क्या है या समझाना क्या है? लेकिन जिस तरीके की सियासी हलचल है मृत्युंजय जी बिहार में, दावे भी कर रहे हैं आपके विपक्षी जी, सियासी हलचल मीडिया में है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। नहीं, विपक्षी नेता तो दावा कर रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, जितना मांझी तो कह रहे हैं कि खेला होगा। विपक्ष को, हमारे विरोधियों को ये एहसास हो चुका है कि इस बार उनकी नैया डूबेगी, तो इसलिए वो इस तरह से भ्रम फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं, इस पर चर्चा, इससे कुछ हासिल होना नहीं है। ये नीतीश तेजस्वी की सरकार पूरी तरह से मजबूती के साथ महा मजबूत है, महा गठबंधन और महा विजय करेगा, किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। ये विरोधी बेकार की बातें जो कर रहे हैं इससे उनको कुछ हासिल नहीं होना है। जी, जी, आप लोग की तरफ से कहा जा रहा है सब ठीक है, जेडीयू भी कह रहा है कि सब ठीक है, तो ये विपक्ष ऐसी बातें कर क्यों रहा है और क्यों ऐसी? विपक्ष इसलिए करेगा, विपक्ष अब इतने नौकरी की भरमार है इस सरकार में, उसका जवाब उनके पास क्या है? जो काम हो रहा है विपक्ष को तो ये दिख नहीं रहा, इस पर चर्चा होने देना ही चाहता विपक्ष, तो विपक्ष चाहता है कि इसी सब तरह के मुद्दों पर चर्चा हो, तो असली मुद्दे से ध्यान, विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ नियुक्ति बांटने के मामले में बिहार ने स्थापित किया इस सरकार ने, नीतीश तेजस्वी की सरकार ने, भला बताइए, चर्चा इस पर होनी चाहिए। अभी जो काम हो रहा है उस पर चर्चा होनी चाहिए, तो चर्चा कहाँ हो रहा है कि नीतीश कुमार जी जा रहे हैं, वो सरकार जा रही है। अमूमन पहले पता होता है मृत्युंजय जी कि आज मुलाकात होने वाली है, लेकिन इस बार अचानक मुलाकात करने पहुँचे हैं, इसलिए ये बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी चीज ऐसी होती है जिस पर सब चीज बता करके ही मीडिया में नहीं किया जाता है। जब अगर माननीय मुख्यमंत्री जी गए महामहिम राज्यपाल से मिलने, तो ये ही क्यों अर्थ लगाया जा रहा है कि कुछ गड़बड़ है?
हम कह रहे हैं डंगे नहीं, हम तो आपसे कारण ही पूछ रहे हैं क्या हो, क्यों गए हैं, तो क्या बातचीत हो सकती है आपको जी? कह रहे हैं आप लॉक कर लीजिए, डंके की चोट पर कह रहे हैं सब ऑल इज वेल है, ये सरकार पूरी मजबूती के साथ चल रही है, चलते रहेगी और 2024 का लक्ष्य जो है दिल्ली से भाजपा का सफाया करेगी, पूरा इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए आरजेडी की प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात है। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र देखिए आरजेडी की तरफ से भी अब कहा जा रहा है कि ये सिर्फ औपचारिक मुलाकात है, ऐसे किसी और तरीके से ना समझा जाए। बिल्कुल देखिए आरजेडी और जदयू दोनों ने कहा है कि औपचारिक मुलाकात है और फिलहाल इस मुलाकात पर कुछ भी बहुत अधिक अभी कहने की जरूरत नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि नीतीश कुमार इसके पहले भी राजभवन जा कर के बड़ा निर्णय लेते रहे हैं, इसलिए लोगों को कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन जरूर है कि आखिर जब बिहार में सियासी खिचड़ी पक रही है उस बीच नीतीश कुमार सुबह सुबह राजभवन पहुंच जाते हैं, तो इस बात को लेकर कयास जरूर लगाई जा रही है। लेकिन फिलहाल देखिए कई मुद्दे हो सकते हैं नीतीश कुमार के राजभवन जाने के, सरकार से जुड़े मुद्दे, राजभवन और शिक्षा विभाग से जुड़े मुद्दे, तो कई मुद्दे हो सकते हैं जिस पर बातचीत की संभावना है राज्यपाल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में, ये साफ तौर पर पहले भी देखा गया है। लेकिन नीतीश कुमार अक्सर जब कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो इसी तरीके से वे अचानक राजभवन पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, तो ये भी एक बात जरूर है। घटना के बारे में भी अगर हमारे दर्शकों बता पाए कि इससे पहले जब भी अचानक सीएम राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं तो क्या कुछ बड़ा हुआ है, उस आधार पर हम इसको देख रहे हैं इस मुलाकात को भी। देखिए नीतीश कुमार का वो क्षण जब एक अन्य मार्ग जो ठीक सामने इधर है, हम तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे, एक अन्य मार्ग है और यहाँ वो बैठक कर रहे थे और बैठक के बाद सीधे नीतीश कुमार राजभवन पहुँचे थे जब वो एनडीए के साथ थे, जब एनडीए में थे पहली बार, उसके बाद वो पहुँचे, उस वक्त भी नीतीश कुमार इस्तीफा लेके गए और जीतन राम मांझी को साथ लेके गए थे, तो एक क्षण वो था। उसके बाद जब आरजेडी के साथ नीतीश कुमार थे उस समय भी कहा जा रहा था इसी तरीके से कि ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल है, लेकिन नीतीश कुमार जब पहुंचे तो वहां भी जब पहुंचे तो पता चला कि खेल हो गया है। लेकिन फिलहाल आज अभी इस तरीके का कोई खेल दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसके पहले की जो तैयारी होती है या उसके पहले जो गतिविधि होती है सियासत में वो अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन नीतीश जी इस वक्त पहुँचे हैं राज्यपाल से मिलने के लिए, गवर्नर से उनकी मुलाकात हो रही है। हालांकि जिस सरकारी कार्यक्रम में नीतीश जी पहुँचे थे वहाँ गवर्नर साहब भी मौजूद थे।